हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जीके के बारे में बताऊंगा। काफी क्वेरीज मेरे पास फेसबुक पे लोगों ने कमेंट की थी कि सर जीके में कैसे स्कोर किया जाए, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जीके के बिना आपका एसएससी सीजीएल प्री मैं अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल है। जैसा आप लोग 2016 में देख चुके हो, 2016 में एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, जिसकी वजह से जो जीके की इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 50 क्वेश्चंस आते थे तो जनरली लोगों का क्या होता था कि काफ़ी लोग मैथ्स और इंग्लिश में एफिशिएंट होते हैं, और रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेता है लगभग, तो ओवरऑल जो कट ऑफ था वो कम जाता था। मतलब अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छे हो तो इजीली क्रैक कर लेते थे प्री। बट इस टाइम क्या हुआ, काफी बच्चे ऐसे थे, टैलेंटेड थे, पोटेंशियल थी, बट वो प्री क्रैक नहीं कर पाए। रीजन जीके, क्योंकि उन्होंने जीके को बहुत लाइटली लिया। अब जीके को लाइटली लिया तो कट ऑफ 137.5 हो गई, और इस साल भी आप लोग समझ सकते हो कट ऑफ इतनी तो नहीं जाएगी, बट इतना मान लो इससे 5-10 नंबर कम ही रहेगी, मतलब इसके आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि तो पैटर्न चेंज है तो कुछ पता नहीं। अभी 25 क्वेश्चन कर दिया गया है 50 की बजाय। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीके को प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, और एसएससी में जीके में क्या क्या चीज पूछता है, ठीक है। तो मैंने काफी एनालाइज किया 2016 के पेपर्स को, उसके बाद मैंने एक पैटर्न निकाला है, तो उस पैटर्न पर अगर हम तैयारी करें तो मेरा मानना है कि 12 से 13 क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं जाएंगे, मतलब 25 मार्क्स हमारे श्योर है। और अगर आप 30 मार्क्स ले आते हो जीके में, दैट विल बी अ गुड स्कोर इफ यू आर गुड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। सो लेट अस लुक एट हाउ टू स्कोर 40+ इन जीके, ओके। और ये स्ट्रेटेजी एसएससी सीजीएल 2017 के लिए है, उससे ऑनवर्ड्स भी यही चलेगी अगर प्री का पैटर्न चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जीके है, जनरल नॉलेज, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसी कारण से बच्चे लोग इससे बहुत डरते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट है और मार्क्स बहुत कम है, ठीक है। पर प्री में बराबर इंपॉर्टेंस है इसकी। 25 क्वेश्चन सभी के हो गए हैं अब, ठीक है। तो जीके जीएस, मैंने इसको जीके जीएस इसलिए दिया क्योंकि एसएससी के अंदर आपका जनरल नॉलेज अलग है, जनरल साइंस अलग है। जनरल नॉलेज के अंदर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स आते हैं, वेरस जनरल साइंस इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर ऑल्सो। नाउ ऑनवर्ड्स कंप्यूटर भी पूछने लग गया है, 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के रहते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपके मेनली 5 to 6 सब्जेक्ट मान लो, और इसमें मिनिमम 12 से 13 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और यहाँ आपके 12 क्वेश्चन फिक्स है, 10 से 12 क्वेश्चन इजिली आते ही आते हैं जनरल साइंस में। तो जो लोग तो जनरल साइंस मतलब साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए तो काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको ज्यादा, क्योंकि वो चीजें पहले बैठ चुके हैं, बस रीगेन करना उनको, ठीक है। तो वो लोग प्लीज पहले इसको ध्यान दे लें, क्योंकि ये जो पार्ट होता है काफी इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। वेयरस ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें काफी सिलेबस है एज कम्पेयर टू दिस। सो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले 25 मार्क्स कैसे स्कोर करना है। अब देखो, देख लीजिए आप पैटर्न क्या है। अब आपने सिलेबस डिवाइड कर लिया सिलेबस को, ठीक है। तो जीके जीएस में जनरल नॉलेज अलग है, जनरल साइंस अलग है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री जो आपकी है, मैंने जो एनालाइज किया, वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, डिपेंड करता है आपका लक है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी मैक्सिमम 2 से 3, मैक्सिमम 2 आएगा, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपका 1 से 2 क्वेश्चन। अब ये जो फोर्स है ना, मिसलेनियस जीके, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मिसलेनियस जीके से पूछता क्या, कैसे अवार्ड्स, ठीक है। अवार्ड्स आप लोग, ये क्या होता है, कोई भी जीके बुक उठाओगे ना, उसके पीछे दे रखा होता है, स्पोर्ट्स से हो गया, ठीक है, सुपरलेटिव्स में आपके क्या जाते हैं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव्स
सुपरलेटिव्स कहते हैं इसको, बिगेस्ट हाईएस्ट ये सब कर लेना, ठीक है। फर्स्ट कौन था, हु कम्स फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वूमेन, फर्स्ट मैन, ठीक है। और करंट अफेयर्स में एसएससी क्या पूछता है आपको, मतलब एक तो एक फिक्स होता है अवार्ड्स वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक्स बुक्स के नेम भी पूछता है, और नेशनल अफेयर्स में मतलब कोई भी योजना टाइप की हो, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आप लोग एनालाइज मत कर सकते हो, ठीक है। नेशनल अफेयर्स में आपके पास क्या है, ठीक है, कोई भी आपकी जो कमिटी बनी है, ठीक है, कोई भी योजना है, ये सब पूछता है। तो एज कंपेयर टू, अगर आपको लगता है कि आप इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप पता क्या करना, इसके लिए बुक आती है, मैं सर पहले भी आपको बता चुका हूँ, हाउ टू प्रिपेयर 160 में मनोहर पांडे सर की बुक है ये, अरियंत अरियंत पब्लिकेशन की है, मीडियम वाली है, ठीक है, आई थिंक 120 की होगी ये, येलो रेड कवर का कलर है। और जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में भी ये आती है, नहीं तो लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। लूसेंट की बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है, आप फॉलो कर सकते हो इस पोर्शन के लिए, ठीक है, क्लियर। और जो लोग काफी डीप में पढ़ना चाहते हैं, मीन्स 50 out of 50 ही लाना है भाई, तो वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग 45+ स्कोर करने के लिए जितनी भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैं मैं रिकमेंड करूंगा इनको, अगर आपको 45+ या 40+ लाना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैं कहां से कहां, क्लास 6 से लेके 10th क्लास तक, किस किस की, एक सोशल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक, ये बुक्स को अवश्य कर लें, क्यों, क्योंकि ये मैंडेटरी बुक्स है और एसएससी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जो कि आपके डायरेक्ट इसमें दिए होते हैं। और इसे पढ़ने से फायदा क्या होगा कि जब आप ये चीजें पढ़ोगे तो होगा क्या, आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने बुक्स छापी है एनसीईआरटी, ठीक है, इतने लोगों को मिलके बुक छापी गई है, काफी लोगों का इसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कभी भी आप फर्स्ट पेज पढ़ना इसमें, और सबसे बड़ी बात है इसमें एरर फ्री होता है। तो इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना, सीडीएस यूपीएससी का एग्जाम कराता है, सॉरी यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कराता है, और सीसेट है, ठीक है, पहले आता था, और अभी काफी एग्जाम से मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके साइंस पोर्शंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही आपको कैसे जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना, अब आते हैं हमारे जो मेजर्स और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट जिसको मैं कहना चाहूंगा, काफी इजी होता है ये, क्योंकि इसमें चीजें रटने वाली नहीं होती, समझने वाली होती हैं और इजीली हो जाता है। साइंस पोर्शन, साइंस पोर्शन में आपके पास 4 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो फिजिक्स में लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, केमिस्ट्री भी आपका 3 से 4, बायोलॉजी पहले ज्यादा पूछता था बट अब थोड़ा कम कर दिया, कंप्यूटर आजकल 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, फुल फॉर्म हो गए, ठीक है, एब्रीविएशन पूछ लेता है, ये सब आपके मिसलेनियस में आ जाता है, यहां मैं लिख देता हूँ, एब्रीविएशन भी आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ये सब आपके आ जाते हैं। और फिजिक्स में क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा ये देख लो आप, फिजिक्स में जैसे आपको पहला सारी की सारी आपको ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है, किस कैसे फोर्स का न्यूटन होता है, मतलब फोर्स का न्यूटन हो गया है ना ऐसे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है,
मतलब समझ गए होगे जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी सिद्धांत आपने पढ़ा, जब भी हम गन चलाते हैं तो रिकॉलिंग गन पीछे लटका क्यों मारती है, ठीक है, हमें चलने के लिए अपना लेफ्ट फुट क्यों उठाना पड़ता है, ठीक है, रोलर को पुश करना इजी होता है पुल करने के बजाय क्यों, ये सब मतलब रीजनिंग बेस्ड कह सकते हैं ना, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैचिंग भी आ जाती है इसमें कभी कभी। फिर केमिस्ट्री में जो आपको चीजें मस्ट करनी है वो करना है आपको, केमिकल फॉर्मूलास, क्लियर, केमिकल फॉर्मूलास करने हैं, और इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रैक्टिकल बेस्ड, मतलब कि कॉपर को हवा में छोड़ दिया जाए तो कलर्स क्यों चेंज हो जाता है ना, इसके भी प्रैक्टिकल बेस्ड करने क्वेश्चन जो भी डेली लाइफ डे टू डे लाइफ पूछता है, ठीक है, नेचुरल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एवरीडे लाइफ कह सकते हो इसको आप, क्लियर। और इसमें एवरीडे लाइफ हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया, थ्योरीज हो गई, ठीक है, और बायोलॉजी में, बायोलॉजी में आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, साइंटिफिक नेम्स, जहां भी आपको साइंटिफिक नेम्स की टेबल बना लेना, और कई बुक्स में दे भी रखी है, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लें, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अगेन एसएससी का डिफरेंट है, वो ये नहीं पूछेगा कि आपको गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या है, वो साइंटिफिक नेम देगा और कहेगा कि ये किसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, तो आप कंप्लीट नॉलेज रखिएगा। इन्वेंशन सबसे बड़ी बात है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों में इन्वेंशन ये दे देता है किसने क्या डिस्कवर किया, ठीक है, केमिस्ट्री में, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे देता है, ठीक है, और फिर बायोलॉजी में आप अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो जो हमारी मतलब सिस्टम की बायोलॉजी, मतलब हमारे शरीर की रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, क्लियर, हार्ट का बारे में, ये सब मतलब आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें, तो अगर इसके लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ लें तो वो इनफ रहेगी, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ। फॉर साइंस मस्ट रीड एनसीईआरटी, ट्वाइस पढ़ लो या 2 टाइम्स पढ़ लो, मैं तो ये कहूंगा 2 टाइम्स पढ़ लो, 9th और 9th एंड 10th क्लास, क्लियर, 9th और 10th क्लास का अगर 2 बार पढ़ लिया आपने और साथ ही साथ अच्छा लगे तो नोट्स बनाते रहो, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपके जो एक सिस्टम होगा फिर उसको आप रिवाइज करते रहो, और इसके साथ साथ जब इतना आप कर लोगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद जैसे आपने आज मतलब टारगेट बनाया इस हफ्ते मुझे एनसीईआरटी का, मैंने कहा मुझे फोर्स पढ़ना है, आपने फोर्स पढ़ लिया, ठीक है, फिर एक बुक आती है लूसेंट की ले लो चाहे ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, ठीक है, लूसेंट ले लो चाहे किरण की आती है 9100, क्लियर, 9100 प्लस बुक आती है, अब तो ये अपडेट हो जाएगी शायद, तो और भी अच्छा है, तो अपडेट वर्जन ले लो तो उसमें 16 के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो फिर जैसे कोई भी आलो केमिस्ट्री पे आपके कमांड होते, केमिस्ट्री के डेली 50 क्वेश्चन मारो, जो भी चैप्टर पढ़ लिया आपने केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मारो डेली, ठीक है, अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए भी मैं एक आइडिया देता हूं कैसे करना है उसको भी, ये हो गया, जिनके पास बुक्स है सफिशेंट है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, आजकल तो भाई जियो आपके पता ही है, जियो ने धमाका कर रखा है, तो जियो वाले क्या करें, ऐप डाउनलोड कर लें, 3 ऐप बताता हूं मैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे अच्छा कर लेना, एसएससी अड्डा जो मेरी चॉइस है पहला, एसएससी अड्डा डाउनलोड कर लेना, दूसरा ऐप है जागरण जोश, क्लियर, जागरण जोश ऐप, और तीसरा ऐप
जो आपको पसंद हो, आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी ये मुझे बेस्ट लगते हैं, ठीक है। तो मैं एसएससी अड्डा रिकमेंड करूंगा। करंट अफेयर्स के लिए जागरण जोश बहुत अच्छा है, ठीक है। एसएससी अड्डे में भी आता रहता है, तो आप ना एक अपनी डायरी बना लो, ठीक है। डायरी में क्या क्या डेट वाइज, करंट अफेयर नोट करते रहो, ठीक है, नोट करते रहो। तीसरा ऐप यार है, वो क्या नाम था, एक मिनट रुकना, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो तीसरे ऐप का नाम देखो, आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे, इस टाइप का एसएससी जीके। ये मैं भी फॉलो कर लेता हूँ कभी कभी, मुझे भी अच्छा लगता है जीके पढ़ना, ठीक है। ये दो ऐप है, एसएससी इंग्लिश और जीके, इंग्लिश के लिए। जीके इसमें खासियत क्या है कि टॉपिक वाइज दे रखा है, इसे प्रीवियस से सारे कवर है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर सकते वो उसको डाउनलोड कर ले, बुक्स नहीं खरीद सकते, क्लियर। और डेट वाइज बना तो बनाते रहो, ठीक है। और कई लोग को न्यूज़पेपर पढ़ने की अच्छी हैबिट है, गुड, मैं कहता हूँ इसको करना चाहिए। और कई लोग मेरी तरह नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, तो वो लोग अपना मोबाइल से पढ़ सकते हैं। बस मेन थिंग क्या है कि आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, क्लियर है। और तीसरी चीज सबसे जरूरी, मॉक। मॉक आपने वीकली जरूर देना है, कम से कम एक एक मॉक, ठीक है। फिर क्या होता है, मेरे को तो टेस्ट बुक का मॉक सही लगता है, ठीक है। उसमें आपकी एनालिसिस दी होती है कि आपका जो बिगेस्ट पोर्शन है वो क्या है। मान लो आपका करंट अफेयर बिगेस्ट पोर्शन है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दोगे तो करंट अफेयर्स पर अच्छा वर्क करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी, जब इंप्रूवमेंट होगी तो अच्छा होगा, आपका स्कोर भी अच्छा बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो यही सब चीजें होती हैं। और जीके तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना इंटरेस्ट आप डालोगे उतना इंटरेस्ट आपको आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग फ्रेंड्स सर्कल में पढ़ते हो तो वो भी डिस्कशन मेन चीज होती है, जीके की डिस्कशन। और डिस्कशन जितना करोगे ना उतना फायदा होगा आपको। सपोज आप लोग लाइब्रेरी में अगर पढ़ते हो, या फिर आप लोग फ्रेंड्स 3 4 रूम पे तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जैसे भी आप लोग अपने ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए, क्लियर है। तो वहां पे आप क्विज खेलिए, क्विज जरूर खेलना सोने से पहले एक बार, ठीक है। बाकी अपना बेसिक कंसेप्ट क्या है, पढ़ते रहो, बेसिक कंसेप्ट करते जाओगे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो फिर वो आपको पता चलता जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन ये चीज है, हमने थ्योरी पढ़ी थी, इसकी एप्लीकेशन ये चीज है, क्लियर है। तो ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो जीके आपको चुटकियों में रिमेम्बर हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये जो दो बुक बताई मैंने, केरन 9100+ और लूसेंट, में से एक भी बुक आप पूरी 2 बार कर लिए तो मैं कहता हूं आपके 35 तो किसी ने जीके में नहीं रोके, गारंटेड। और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ डिस्कशंस जरूर करें, और जो भी डाउट्स हैं जीके के बारे में प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, कमेंट करें अगर आप लोग कोई दिक्कत हो एसएससी से और रेलवे के एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ जानना हो, तो मैं आपकी होपफुली हेल्प कर सकूं। और आप लोग हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एसएससी ऑनलाइन मेंटर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज है, ग्रुप भी है हमारा, उसमें आप जोड़ सकते हो, राइट साइड में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। एसएससी ऑनलाइन स्टडी फेसबुक ग्रुप। क्लियर, ये दोनों चीज आप कर लोगे तो आपको ये है कि मेरे ग्रुप से, ठीक है, मेरे काफी फ्रेंड्स लोग वहां पे एक्टिव हैं, और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने वहां पे डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर कर देगा, क्योंकि इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, हर दिन इसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, ठीक है। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, यहाँ से जो भी वीडियो मटेरियल पोस्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को इजिली मिल जाएगा। तो आपसे इससे क्या होगा, इससे आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, क्लियर। सो ऑल द बेस्ट 2017 के लिए, अभी से तैयारी जमकर करिए, टाइम बहुत कम है, एग्जाम आने वाला है। सो
होपफुली बेस्ट विशेस, थैंक यू।